इट्स करेंटली 5 in the evening और अभी यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे वेस्ट से भी ऊपर। तो हमने सुबह 7 AM के आसपास हमने वॉक करना शुरू किया, तो अभी तक हम बस 3 kilometers कर पाए। और जो ये ट्रेल साइन ट्रेल्स का नाम है लॉर्ड कजन ट्रेल, जो सबसे बड़ी है, काफ़ी दूर दूर तक जाती है ये वाली ट्रेल है, बहुत सारी जगहों को कनेक्ट करती है अगर ऐसे पासिस से जाओ तो। अभी हमें यहाँ ये छानी मिली जिसमें करछी गाँव के लोग समर्स में रहते हैं, तो आजकल यहाँ कोई आता है नहीं, तो हम ही है पहले 3 लोग जो आ रहे हैं। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने का, इस जगह से जाता है कुंवारी पास, लेट्स सी हम जा पाते हैं कि नहीं वहीं जहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है यहाँ तक। और यहाँ आज हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ इतने छोटे दरवाजे, हमारी हाइट से भी छोटे, वहाँ झुक के जाना पड़ रहा हॉबिट जैसे। ये वाला बता, देख के लगी मजा आ रहा है। आजा पर रुक, निकाल तो बर्फ आ रही, अरे भयंकर की। इसे निकाल, ये वाला भी निकाल। ओहो भाई, तो सरप्राइज था। दिस इज अनएक्सपेक्टेड, क्या स्नो पड़ रही है बाहर भयंकर। हमने डिसाइड किया था कि अभी हम मूव करेंगे आगे कुंवारी पास, अनफॉर्चुनेटली अब हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो रहा है बाहर, बहुत हैवी स्नो हो रहा है यार। मतलब जो ट्रेल्स हमने बनाई थी कल आते हुए ऊपर, वो शायद ढक गई होगी और हमें नीचे जाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। एंड अभी तो हमने काफ़ी कंटेंट वगैरह लगाना है क्योंकि हमारा कुछ बचा है। और एक चीज़ बताए तो ये अभी हमारा लास्ट एपिसोड है जो हम शूट कर रहे हैं यहाँ, तो फिर उसके लिए हमने अपना टेंट लगाना है, थोड़ी देर कैंपिंग करेंगे, अपना खाना बनाएंगे वहाँ पर। बट अभी इतना प्यारा स्नोफॉल, मजा आएगा इसमें शूट करने में ब्रो, क्यों? फुल पावर, पावर सीन, अरे सीन। दे दे। ब्रो क्या क्रेजी सीन है वहाँ पर, धूप भी आ रही है और इतनी बर्फ, फुल पावर वाली बर्फ, ये देखो। और कल हम पीछे एक छानी में रहे जो कि अपनी हाइट के बराबर है, वो दिखेगा भी नहीं क्योंकि पूरा ही बर्फ 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 हुआ है, सारे ही घर ढक गए हैं, मतलब गांव वाले आते हैं यहाँ गर्मियों में, तो फिर पूरा ही ख़तरनाक ही सीन हो गया। और इतनी बर्फ़ पड़ रही है, कल रात को हम उठे 1 बजे, हमने सोचा हम कल जाएंगे ऊपर की तरफ, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि 1 बजे जैसे ही उठे वैसे ही बहुत बर्फ़ पड़ने लग गई थी। और कल जैसे ही हमने ट्रेल्स पे रास्ता बनाया था और फिर से हम खो गए इस रास्ते में, और मेरे 2 भाई आगे जा रहे हैं, आकाश और वो प्रभात, इतनी बर्फ़ में जा रहे हैं, ख़तरनाक डूब डूब के, और बहुत ख़तरनाक सीन हुआ है, बहुत ख़तरनाक, क्रेजी मज़ा आ रहा है मज़ा। फिर जैसे ही हम 1 बजे के बाद फिर सोए, फिर हम 3 बजे उठे,
फिर हमने कहा चलो बर्फ़ तो कम हुई होगी, उसके बाद तभी भी बर्फ़ कम नहीं हुई थी और आई रही थी। फिर हम सुबह 7 बजे उठे, फिर हमने कहा अब तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम चलना भी स्टार्ट करेंगे तो हम डूब जाएंगे। और ये दोनों बंदे मेरे भाई, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितनी हाइट तक है। ये पीछे घर देख रहे हो, अगर दिख रहा होगा मतलब हल्का सा गैप देखो, और पूरा एक घर के ऊपर इतनी बर्फ़ हाइट जितनी। हमें तो ये भी नहीं पता हम कहाँ चल रहे हैं, घर के ऊपर चल रहे हैं कि कहाँ चल रहे हैं। खतरनाक ही सीन, आस पास का नज़ारा, मैन दिस इज समथिंग क्रेजी। अब हम इससे आगे मूव नहीं कर सकते क्योंकि वाइट आउट हो चुका है और हमें रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपना टेंट यहीं लगाएंगे और वेट करना पड़ेगा जब तक ये फॉग क्लियर ना हुआ और बर्फ़ थोड़ी कम नहीं हुई, क्योंकि ऐसी बर्फ़ में मूव करना ठीक नहीं है। तो अभी हमने, और रास्ता तो बिल्कुल दिख नहीं रहा आगे, एकदम फॉग है बहुत ज़्यादा, विजिबिलिटी 500 मीटर से कम हो चुकी है। तो हम यहीं है, यहीं अपना टेंट लगाएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, चाहे रात भी हो जाए पर वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा। एंड वी विल वेट फॉग क्लियर होने का। भाई करते हैं सर।